सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हमारे किसी किसान भाई को लंपी स्किन डिजीज़ अपनी एनिमल में होने का शक होता है, वो तुरंत से एक तो अपनी एनिमल को दूसरे जो तंदुरुस्त एनिमल हैं उनसे अलग करें, और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का अमला है फील्ड में, अब उससे रابطہ कायम करें। और इसके लिए हमने अपनी टोल फ्री एक नंबर 1962 भी रखा हुआ है, सेंट्रल कंट्रोल रूम रखा हुआ है। हमने रैपिड रिएक्शन टीम्स बनाई हुई हैं, उनके जो इंचार्ज हैं उनके जो फ़ोन नंबर हैं उनको भी हमने लोगों तक पहुंचाया है। इसके लिए पैम्फलेट्स भी लोगों तक हमने पहुंचाए हैं। तो मेरी ये लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि वो जो भी उन ऐसा डिजीज़ का मामला किसी एनिमल में उनके पाया जाता है, वो तुरंत एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उसके लिए रुजू करें और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बॉर्डर एरिया से ही ज़्यादा फैल रही है, क्या कुछ लगता है कि कहीं पाकिस्तान से कुछ कुछ और इलाकों से बाहरी देशों से ये बीमारी यहाँ पर फैलने शुरू हुई है? ये बीमारी 2019 में हमारे देश में आई थी और कोस्टल रीजन्स में थी, तो आहिस्ता आहिस्ता से ही बीमारी अलग अलग स्टेटों में आई, हमारे राजस्थान में आई, महाराष्ट्र में आई, पंजाब में आई, और उसके बाद हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं वहाँ पर ये बीमारी आई। और हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान के एरिया से लगते हैं, तो इस संभावना से भी ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वहाँ से ये बीमारी ना आई। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक इससे कितने पशु ग्रस्त हुए हैं और कितनों को बचाया गया, कि रिकवरी रेट भी जानना चाहेंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त हमारे पास कुछ 17,500 के लगभग जो कैटल्स हैं वो इफेक्टेड हैं। 17,500 में से हमारा 7,000 पशु जो है वो रिकवर हो चुका है और वो वापस अपनी हेल्दी पोजीशन में आया हुआ है। और इसके अलावा जो डेथ रेट है, डेथ इसमें 111 एनिमल्स की डेथ हुई है। तो इसमें ये देखने में आया है कि जिन किसान भाइयों ने जल्दी से हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोगों को इसकी जानकारी दी थी, उनके एनिमल्स रिकवर हुए, और जल्दी जिन्होंने इस बारे में अपने एनिमल्स के बारे में हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को नहीं बताया था, और ये लंपी स्किन डिजीज़ से ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन जब हो गई तो उनमें फैटलिटीज़ हुई हैं।